लव मैरिज का दावा किया और शादी भी कर लिया। शादी करने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे बस तुम्हारी खूबसूरती से प्यार था, तुम्हारे जिस्म से, जो हमको मिल गया अब तुम्हारा हमको कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब की बेटी का जिंदगी एक शराब है, एक बेदुआ है, एक सजा है। गरीब होना एक गुनाह है सर, इस गुनाह से बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं होता है। पैर में देख रहे हैं कुछ घाव है। जी सर, ये जिस गाड़ी मालिक का गाड़ी लिए थे ना, उसके घर में बहुत कम स्पेस था, तो गाड़ी में ब्रेक जो है उसको टाइट करवाए थे। तो लड़का से मेरा शादी हुआ, दुनिया का सारा नशा करता है, दारू, गांजा, कोरेक्स जो भी होता है। आपको पता नहीं था पहले कि जो आपके होने वाले जो पति थे नशा करते हैं? माँ है बीमार, परेशान रहती है। मेरा भाई है, देखिए घर में डिप्रेशन में बीमार पड़ा हुआ है, उसको देख देख के हम लोग रोते रहते हैं। करे तो क्या करे, दिल में दर्द होता है, दिल कलपता है, देखते हैं, कर क्या सकते हैं। बुलेट से भी हाथ का नस काट लिए थे ताकि हम मर जाएंगे, लेकिन नस काटने से आदमी मरता नहीं है, कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है और बचने का संभावना। मेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम गरीब हैं, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और हम एक महिला है। महिला होने के नाते सबका कहना है हमको रिक्शा नहीं चलाना चाहिए, रोड पे नहीं निकलना चाहिए, हमको पैर से सर तक कपड़ा लपेट करके घर में बैठे रहना चाहिए। हमारी माली हालत बहुत ख़राब है, सरकार के द्वारा हमें कोई भी मदद नहीं मिली है। हम हर जगह ब्लॉक, SPTM सबके पास दौड़ दौड़ के थक गए। आप देख रहे हैं VR News, एक नजर सच्चाई की ओर। इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महंगी चीज जो होती है वो पेट की भूख होती है। उस भूख को मिटाने के लिए लोग न जाने क्या कुछ कर जाते हैं, मानवता को भी दांव पर लगा देते हैं। आज हम पहुंचे हैं मधेपुरा की बेटी नगमा के दरवाजे पर, वो बेटी जो पिछले कई महीनों से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, टोटो रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करती है। उनके घर पर हम पहुंचे हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जिस प्रकार से उन्हें टोटो चलाना पड़ गया है तो वो इतने मजबूर क्यों हो गई कि इन्हें टोटो चलाना पड़ गया। आइए हमारे साथ, हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके पीछे की हकीकत क्या है। ये नगमा जी का घर है, दृश्य के माध्यम से आप देख लीजिए, यहाँ रहती है नगमा जी और नगमा जी की ये मम्मी जी हैं जो खाना बना रही हैं। और दृश्य के माध्यम से दिखा दीजिए, नगमा जी हैं ये, इनकी ये कौन है, आपकी बेटी है? बेटी है इनकी, आ जाइए। इनके जो लाइफ है, ज़िंदगी है, इस प्रकार से गुजरती है। दृश्य के माध्यम से आप दिखा दीजिए, आप इस तरफ से दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। और जैसे हम इस आंगन में इनके, यानी कि हम लोगों ने प्रवेश किया, उसके बाद दरवाज़ा वहाँ पर है सामने, देख लीजिए। इसके बाद आप दृश्य के माध्यम से देखिए, सभी बच्चे जो है बांस के ऊपर बैठ गए हैं, जरा दिखा दीजिए, जूम करके दिखा दीजिए। आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, बच्चे लोग जो है बांस पर चढ़ के देख रहा है कि आंगन में क्या कुछ हो रहा है। बैठिए नगमा जी, आप ये बैठिए, आप बैठिए, हम बैठ जाएंगे, बैठिए। आपका वीडियो काफ़ी तेज़ गति से वायरल हो रहा है, उसमें आपने अपनी बातें रखी है, रोते हुए बातें रखी है, क्या सच्चाई है और आपको टोटो चलाना क्यों पड़ गया? सर सो तो घर का कंडीशन देख के आप लोग को सच्चाई समझ में आ ही गया होगा कि हमारी दयनीय हालत कितनी ख़राब है और सरकार के द्वारा कोई भी लाभ हमें नहीं मिला है। और हमारा जो हालत है, इस बच्चे को तो हम भूखा देख नहीं सकते हैं। इसका दूध वाले का अभी भी 6 महीने का गिरानी है, मेरे सर के ऊपर कर्ज है। तो इसी के लिए हमको लगा कि नहीं, मेरा बच्चा भूखा सो रहा है। कई दिन इसको हम निपल में पानी डाल के पिलाते, अभी भी आप देखिए इसके लिए मम्मी दूध गर्म कर रही है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिखा है। नहीं, दूध नहीं दिख रहा होगा, वहाँ जाकर आप दूध देख लीजिए ना, उसमें दूध है, देखिए मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूध ही होगा बिल्कुल, हम दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है। पैसा के अभाव में 1 किलो दूध लिए, नहीं तो मेरा बच्चा कम से कम 2 किलो दूध का ज़रूरत है। तो 1 किलो दूध लिए, उसमें आधा पानी मिला करके इनको देंगे। अच्छा, पैकेट का ही दूध पीती है? जी, गाय का दूध लेते थे तो उन्होंने पैसा के कारण बंद कर दिया, तो सुधा दूध वाला पैकेट ले लेते हैं। आपके पति कहाँ हैं?
मेरे पति दूसरा शादी कर लिए जोरगन चकमका में, और मेरे पास एक बेटी थी और दहेज के कारण मुझे छोड़ दिया। कितने साल पहले की घटना है? 2021 में ये सब घटना हुआ था। अच्छा। उसने बचपन से मेरी मम्मी को कहा कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, लव मैरिज का दावा किया और शादी भी कर लिया। शादी करने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे बस तुम्हारी खूबसूरती से प्यार था, तुम्हारे जिस्म से, जो हमको मिल गया अब तुम्हारा हमको कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम उसको लाएंगे जो हमको दहेज देगा, गाड़ी देगा, और तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है, तुम लोग के साथ रिश्ता जोड़ करके क्या मिलने वाला है, बच्चा को लो आए जाके रोड पैसे भीख मांगो। तो सर हम पढ़े लिखे थे और हम भीख तो नहीं मांग सकते थे। कितने क्लास तक पढ़े लिखे हैं आप? सर हम फर्स्ट सेमेस्टर से MA कर रहे हैं BNU में, यहाँ यूनिवर्सिटी जो बना है मधेपुरा ज़िला में मेडिकल कॉलेज के बगल में, उसी में। किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं आप? जी हम होम साइंस से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक औरत को गृह विज्ञान बनना ही चाहिए ताकि वो अपना गृहस्थी घर द्वार संभाल सके। मेरे हस्बैंड अच्छे इंसान नहीं थे, गरीबी के कारण ही मेरा उससे शादी हो गया, लव मैरिज, मतलब मेरा घर का हालत देख के आपको लग सकता है हम लोग दहेज वहेज नहीं दे सकते हैं किसी को, इसीलिए वो अनपढ़ जाहिल था, फिर भी हम लोग उससे गरीबी के कारण शादी कर लिए, प्यार वार का दावा किया दिखाया, लेकिन उसको कोई प्यार वार नहीं था, वो बस मेरा खूबसूरती के पीछे पड़ा हुआ था। अब बोला तुमको हासिल कर लिए, अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं, और दूसरा शादी कर लिया जा करके। तो दूसरी शादी किया उसने, तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया? सर मैंने कानूनी कार्रवाई भी किया, 2 साल से मान के चलिए कोर्ट कचहरी दौरा, दौड़ते दौड़ते इतना मैंने मेंटली और फिजिकली टॉर्चर सहा है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। कोर्ट कचहरी, जज, वकील, हर किसी को पैसा ही चाहिए। ये जो कहा जाता है कि लड़की का कानून है, लड़की को आरक्षण है, लड़की का जमाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटा हाथ जलेगा, यहाँ हाथ जल जाएगा, ये सब कुछ सर उसी का है जिसके जेब में पैसा है। लड़की के जेब में पैसा है तो कोर्ट कचहरी कानून सब लड़की का है, लड़का का जेब में पैसा है तो सब लड़का का। यहाँ पड़ोसी घर है मेरे घर में, आप देखिए लीजिए, मेरी माँ है बीमार परेशान रहती है, मेरा भाई है भी देखिए घर में डिप्रेशन में बीमार पड़ा हुआ है, उसको देख देख के हम लोग रोते रहते हैं। करे तो क्या करे, दिल में दर्द होता है, दिल कलपता है, देखते हैं, कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद करने वाला नहीं है। पड़ोसी घर देखता है मेरा बिना छत का घर है, इसमें कोई भी पत्थर मार सकता है, मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहन और 4 भाई है, सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं, हम अपने घर में सबसे बड़ी है। तो पिताजी का जो देहांत हुआ है कितने समय पहले हुआ है? मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मेरी बेटी पेट में थी और मेरे हस्बैंड हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरा बच्चा ही नहीं है, हम इसको जानते ही नहीं हैं। तो पापा को हार्ट अटैक आया, उसी में पापा चले गए। एक तरह से पापा का मौत का जिम्मेदार हम भी हैं, अगर ऐसा लड़का से हम शादी नहीं करते नहीं होता तो मेरे पापा को हार्ट अटैक नहीं आता, कोई प्यार वार होता ही नहीं है। हमको लगा था कि हम अपने प्यार से उसको सुधार लेंगे, सुधर जाएगा। जो लड़का से मेरा शादी हुआ दुनिया का सारा नशा करता है, दारू, गांजा, कोरेक्स जो भी होता है। आपको पता नहीं था पहले कि जो आपके होने वाले जो पति थे नशा करता है? पता था, लेकिन सर गरीबी आप जानते हैं ना सर, हमारा हालात देख रहे हैं ना, ऐसे हालात में हमसे कौन शादी करता, जहाँ भी रिश्ता लगता था हर जगह 5 लाख 10 लाख दहेज का ही डिमांड करता था। आपको पता नहीं गरीब की बेटी का जिंदगी एक शराब है, एक बेदुआ है, एक सजा है, गरीब होना एक गुनाह है सर, इस गुनाह से बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं होता है। तो बस इसी कारण मेरा शादी अच्छा घर में नहीं हुआ, रिश्ता भी लगा, इंजीनियर से लगा, डॉक्टर से लगा, बोला सब कुछ ठीक है, लड़की भी पसंद है, लेकिन चरचक्का दीजिएगा ना। सर हम चरचक्का कहाँ से देंगे, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, कल है मेरा कल खराब हो गया, सरकार का दिया हुआ बाथरूम तक यहाँ का मुखिया हमको नहीं दिए, देख लीजिए न बाथरूम मिला, न पशु सेट मिला, गाय खरीदे गाय मर गया, उधारी पैसा लेके गाय खरीदे बच्चे के दूध के लिए, गाय मर गया, क्योंकि पशु सेट दिया नहीं, अंदर पानी आया बारिश में, गाय नहीं जी पाया, मर गया। हम लोग क्या करें बताइए, हम लोग बहुत मजबूर है, बेसहारा है, हम लोग का हालत आप लोग को दिख ही सकता है, देख ही रहे हैं, किसी को हम क्या कहेंगे सर, देखने वाला इंसान देख के समझ जाएगा, ये मेरा घर है, घर पे
घर से ही किसी को किसी का हालात का पता लगता है। रोड पे तो आदमी कैसे भी बन के चला जाता है, निकल जाता है, लेकिन जब घर होता है ना तो घर में आदमी देखता है तो उसका अंदाज़ा लगा लेता है। हमारी माली हालत बहुत ख़राब है, सरकार के द्वारा हमें कोई भी मदद नहीं मिली है। हम हर जगह ब्लॉक SPTM सबके पास दौड़ दौड़ के थक गए। आप तो सुने कि ऐसे बदली होते रहते हैं, और मेरे जो लड़का से हम शादी किए उन्होंने मेरे बारे में कोर्ट कचहरी में ये रिमर खिराया कि लड़की कैरेक्टरलेस है, लड़की दो नंबर है, लड़की पागल है, हापलेस है। उनके पास सर कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है कि हम गलत है, लेकिन वो बोल रहे हैं जलील करने के लिए ताकि हम सुसाइड कर ले, खुद को ख़त्म कर ले। और हम सुसाइड करने का 3-4 बार सर कोशिश भी की है, सो आप देख भी सकते हैं, एम्बुलेंस से भी हाथ का नस काट लिए थे ताकि हम मर जाएंगे। लेकिन नस काटने से आदमी मरता नहीं है, कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है और बचने का संभावना। फिर मेरी बेटी हुई तो हम इसके लिए जीने का लालच पैदा हो गया। इसको देखते हैं तो दिल करता है कि नहीं इसके लिए हमको जीना चाहिए। जीने का तो चाहत ख़त्म हो गया था, लेकिन अपनी बेटी के लिए हम जीना चाहते हैं, इसके लिए हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन हम इतना टॉर्चर हो रहे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, सब जलील करने वाला है, सब मेरे अगेंस्ट बोलने वाला है, कॉल कर ले ये है वो है, ऐसा ऐसा बात सुन करके हम सर जी रहे हैं। हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जानते हैं हम क्या है, हम सही है। आप लोग सर कभी कहीं कुछ गलत देखे हैं? जो गलत इंसान होता है उसको सब कोई देखता है, लेकिन सर हमको इसलिए जलील किया जाता है क्योंकि हम गरीब हैं। मेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम गरीब हैं, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और हम एक महिला है, महिला होने के नाते सबका कहना है हमको रिक्शा नहीं चलाना चाहिए, रोड पे नहीं निकलना चाहिए, हमको पैर से सर तक कपड़ा लपेट करके घर में बैठे रहना चाहिए। ऐसा ऐसा कमेंट सर मेरे गांव में मिलता है, क्योंकि इस गांव में अभी सोच बहुत छोटा है इंसान का। मेरा गांव विकसित नहीं हुआ है, भले यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, इंजन कारखाना बन गया है, इन सब चीज़ों का स्थापना हो गया है, बट इंसान का सोच विकास करने में मेरे ख्याल से 20 साल तो लग ही जाएंगे। और इस कारण जो है यहाँ जितने भी इंसान गरीब हैं, हम रोड पर भी देखते हैं सर कि बहुत इंसान डिप्रेशन के शिकार है हमारे गांव में। हमारे गांव में सिर्फ मेरा ही परिवार ऐसा नहीं है कि इतना गरीबी, इतना फाका खसी, इतना भुखमरी है। मेरे घर में 3 टाइम में एक ही टाइम का खाना बनता है, हम लोग एक ही टाइम का खाना खाते हैं। गैस का कनेक्शन हम लोग लिए थे बट पैसा नहीं है गैस भराने के लिए, रिक्शा चलाते हैं, दूसरे का रिक्शा है, 500-600 रुपया कमाते हैं तो 350 रिक्शा वाला ही ले लेता है, उसके बाद 300-250 हमको बचता है, तो उसमें मेरा 8 भाई बहन है, मम्मी है, मेरी बेटी है, हम हैं, बीमार 2 भाई है, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई है, मेरा बच्चा का दूध का खर्चा है। बहुत ही मुश्किल से हम लोग का गुजारा हो रहा है, बस ऊपर वाला जिंदा रखे हुआ है, सांस चल रहा है, लेकिन सब कमज़ोर है, चलते हैं तो भसियाते हैं, गिरते हैं, BP लो है, आप मेरा ब्लड जाँच भी देख सकते हैं कि मेरे शरीर में ब्लड का भी कमी है। और मेरा यहाँ अप्रैल में टूट गया था, 1 महीना मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, मेरा यहाँ डैमेज है। कैसे टूटी थी हाथ? रमज़ान में मैंने फास्ट रखा था, मुस्लिम में 1 महीने का रोज़ा रखना होता है, और उसमें कमजोरी के कारण चक्कर आया और यहीं पे गिरे, उस पर हाथ पड़ गया, टूट गया, तो 1 महीना मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। वहाँ से ठीक हो के आए तो मेरा बच्चा भूख से मर रहा था, हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल में सुबह में 1/2 गिलास दूध मिलता है पेशेंट सबको, तो वो दूध हम अपने बच्चे को देते थे, दूध वाला को कहते थे कि भाई थोड़ा बड़ा के दूध दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, खाना मत दो, नाश्ता मत दो, उसके बदला दूध ही दे दो, तो वो थोड़ा बड़ा के देते थे तो बच्चा को वहाँ पिला रहे थे। फिर वहाँ से आने के बाद मेरा बच्चा भूखा सोने लगा, तो सोचे क्या करें, बहुत जगह हम अपना रिज्यूम बना करके डाले जॉब के लिए, लेकिन हमको जॉब नहीं मिला। मेडिकल कॉलेज में भी हम जॉब के लिए दिए, वार्ड गर्ल का, डाटा ऑपरेटर का, हम कंप्यूटर भी चलाने के लिए जानते हैं, KYP कोर्स करके रखे हैं कंप्यूटर का, समिदा ग्रुप में हम कंप्यूटर सीख रहे थे, लेकिन डायरेक्टर सर थे संदीप संडल जो सुसाइड कर लिए, इस कारण हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ और सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, बट नॉलेज है कंप्यूटर का। थोड़ा अभी हम परेशान हैं घर का माली हालत की वजह से, मतलब आप लोग का भी दिमाग थोड़ा देर के लिए देख के हिल गया होगा। क्या कीजिएगा, जब गरीबी आती है तो कई सारे मुसीबत एक साथ लाती है, पैर में देख रहे हैं कुछ घाव है। जी सर, ये जिस गाड़ी मालिक का गाड़ी लिए थे ना, उसके घर में बहुत कम स्पेस था,
तो गाड़ी में ब्रेक जो है उसको टाइट करवाए थे, तो ढलान था बहुत ऊपर नीचा, उसमें गाड़ी लेके आने में स्पेस तो कम था ना, तो पैर से ब्रेक लगाए ना तो उसी में जो है घाव हो गया और पैर थोड़ा डैमेज हो गया। फिर भी हम इस घाव का परवाह नहीं करते हुए एक हफ्ता तक फिर भी गाड़ी चलाए। एक हफ्ता पहले ऐसा हुआ था और पैसा नहीं होने के कारण हम अपना ट्रीटमेंट नहीं कराए। मेडिकल में क्यों ना आपने इलाज कराया? मेडिकल कॉलेज में जो नॉर्मल दवाई देते हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल है, वहाँ करवाती हैं आप? सर मैं सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज का आपको अपना फाइल दिखाऊंगी, कम से कम 1000-2000 से ज़्यादा पर्ची। मम्मी थोड़ा फाइल लाइएगा। मैंने अपना कितना इलाज कराया, कितना मैं महीने महीने भर्ती रही, और आप तो मेडिकल के लोग मेरे इलाज भी नहीं करते हैं। उनका कहना है कि ये लड़की ना हॉस्पिटल का खाना खाने आ जाती है, इतना गरीब है कि इसको घर में खाना मिलता नहीं है, तो बीमार हो के मेरे हॉस्पिटल में खाना खाने आ जाती है। डॉक्टरों का हॉस्पिटलों का कहना है कि खाना खाने के लिए एडमिट हो जाती है। तो सर हम अपना तकलीफ दर्द किसको दिखा सकते, कौन समझेगा, किसको सुनाए जिंदगी। आपने बोला कि आपने किसी लड़के से प्यार किया था और फिर शादी की कर ली आपने, तो किस साल की ये वाकया है? सर ये 2021 का वाकया है, जो लड़का हमसे लव मैरिज का दावा किया, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया शादी से पहले, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर केस किए तो कोर्ट के प्रेशर में आके हमसे शादी कर लिया। लेकिन उसका पर्पस था कि हमको इस्तेमाल करके छोड़ देना, लेकिन मेरा मानना था कि मेरा जो एक इंसान इज्जत देखा है, वो भला हो बुरा हो जैसा भी हो, हम पूरा ज़िंदगी उसी के पास रहेंगे। मेरा मानना था पति जैसा भी होता है देवता होता है, परमेश्वर होता है। हम पति को परमेश्वर देवता तो बना लिए, लेकिन मेरा पति हमको देवी नहीं बना सका, बल्कि वो हमको कैरेक्टरलेस बना दिया। कहाँ के रहने वाले थे वो? वो श्रीपुर चकला 13 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं, वहाँ के। उनका नाम अंजार आलम है और उनकी माँ का नाम आलम उर्फ रोजी है। उनके अभी पिताजी है सरदार जी, ट्रैक्टर मिस्त्री है, ट्रैक्टर का काम करते हैं, और उनका पिताजी का असली नाम है गुरु नाम सिंह। अगर वो दावा करते हैं कि मेरी बेटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी तो डीएनए से साफ हो जाएगा कि किसकी बच्ची है किसकी बच्ची। जी मैंने उन्हें कहा डीएनए टेस्ट करा लो, केस वाला भी पेपर लाइएगा थोड़ा। मैंने उन्हें डीएनए का डिमांड किया है, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें डिमांड नहीं किया। ये कौन सी कागजात है सर? ये मेडिकलर के कागजात है जो आपने कहा। हाँ हाँ। आप इसमें नाम पढ़ सकते हैं नगमा परवीन, डेट देख सकते हैं। आपने कहा सरकारी में इलाज नहीं होती, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कितना बार सरकारी में जा चुकी हूँ। इसका सर आप नाम देख लिए, डेट इसका देख लीजिए, डेट भी लिखा हुआ है। नगमा जी आपके जो पंचायत वासी है, ये भी नगमा परवीन है, इसमें भी आप नाम देख लीजिए, सरकारी का ही है। ये देख लिए सर, आप बात कर रहे हैं ना सर कि इलाज नहीं होता है, इलाज के लिए हम कितना पापर बेले हैं। मम्मी इसमें मेडिकल का पूरा पर्ची नहीं है, लेके आइए कल जो दिए थे। भारतीय स्टेट बैंक में मेरा 40,000 रुपया घपला कर लिया था, उसके लिए मैंने आवेदन लिखा, और मेरा गलती ये था कि मेरा साइन बोला बैंक मैनेजर गलत था, ये फॉर्म फेंक दो और दूसरा फॉर्म भर के लाओ। मैंने विड्रॉल फॉर्म वहीं फेंक दिया और दूसरा फॉर्म भरा, उसी फॉर्म से कोई भारतीय स्टेट बैंक में 40,000 निकाल लिया। मैं 4-5 महीना दौड़ी बैंक, लेकिन कोई एक्शन कोई नहीं लिया, गरीबी के कारण मैं बैंक में पैसा अपना वापस नहीं ले सकी। हर तरफ से मुसीबत आपको घेरे रहा, तरफ से टॉर्चर में हूँ, मुसीबत में हूँ। इतना होने के बाद कोई भी इंसान सर जीवित नहीं रहता। एक बोरा लाओ यहाँ पे पेपर रखेंगे, जितना समझ गए आपने जो दिखाया है। नहीं सर आपको मेडिकल, आप बोले इलाज नहीं होता है, मेडिकल का हम आपको पर्ची दिखा रहे हैं। ठीक है, आपने जो दिखाया हमें आपकी बातों में लगा कि सच्चाई है, और आप जो जिस प्रकार से फाइल दिखा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हैं, तो आप झूठ नहीं बोल रही है। अगर आपको कहीं से ऑफर मिलता है, ये इस तरफ है देखिए, ये सारा है ना, यहाँ आप नाम पढ़ सकते हैं,
मेरा अपराधी यादव हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मैं 2-3 महीने एडमिट रही डिलीवरी के बाद। मेरा हालत बहुत क्रिटिकल था, लेकिन हॉस्पिटल में फ्री ब्लड लिखने के बावजूद भी हमको ब्लड नहीं मिला। डॉक्टर मेरा स्थिति देख करके लास्ट में फ्री ब्लड लिखा, पहले बोला डोनर नहीं है, हमने कहा नहीं है, तो फ्री ब्लड लिखा डॉक्टर। लेकिन गरीबी के कारण सर हमको ब्लड भी नहीं चढ़ा, आप पर्ची देख सकते हैं, ये सब मेडिकल का ही है सर, एक हो गया, दो हो गया, सब में डेट बाय डेट होगा। और तब लास्ट में हम अपराधी वादब के क्लिनिक में मेरी माँ कर्ज लेकर के 20,000 डिलीवरी के समय मेरा इलाज करवाई, जो आप हमको अभी ज़िंदा देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये मधेपुरा में सरकारी नहीं प्राइवेट है, यहाँ मेरा इलाज नहीं होता तो शायद अभी हम आपसे बात नहीं कर पा रहे होते। सदर अस्पताल में मेरा इलाज किस टाइप से हुआ जो हमको यहाँ जाना पड़ा, आप समझ ही सकते हैं। आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? मैं अपने जिला मधेपुरा जिला की पार्वती साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ, और उसके बाद पीजी में एडमिशन लिया है अपने गांव में ही, न्यू यूनिवर्सिटी जो बना है उसी में हमने एडमिशन लिया है। जिससे देखिए, मेरा घर आंधी तूफान आने के कारण कितना बार मेरे घर में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ आप देख सकते हैं। मैंने SDO ऑफिसर को आवेदन दिया, आंधी तूफान आने के कारण मेरे घर में कितना नुकसान हुआ, लेकिन मेरे एप्लीकेशन पे कोई जवाब, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप देख सकते हैं, ये फोटोकॉपी है, इसका ओरिजिनल मैंने जमा किया था, इसमें आप डेट तारीख सब कुछ देख लीजिए। हमारा कोई सुनने वाला गुहार नहीं है सर, सरकार हमसे मुँह फेर के बैठे हुए हैं, सरकार को हम गरीबों से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुनती है आपकी बातें सर? हमें नहीं पता कि सरकार क्यों नहीं सुनती है, लेकिन किसी से आपका कोई बैर है, दुश्मनी है, या कोई आपको दुश्मन मानते हैं? सर मुझे तो लगता है मेरी दुश्मनी सबसे बड़ी गरीबी से ही है। जो गरीब होता है, आप सुने होंगे सर कि हमारे रिश्तेदार जो अमीर होते हैं, हम दूर दूर से उनसे रिश्तेदारी फरियाते हैं, और जो रिश्तेदार हमारे गरीब होते हैं, कितना भी नज़दीक करीब का रिश्ता क्यों ना हो, हम आखिरकार भूल ही जाते हैं। आपके पिताजी कितने भाई थे? मेरे पिताजी 5 भाई थे, सुनते हैं दिल्ली एयर में वो लोग रहते हैं, पटना में, लेकिन हम गरीब हैं तो हमसे कोई वास्ता, कोई रिश्ता कोई नहीं रखते हैं, कोई लेना। घर का कमाने वाले आप ही हैं? हाँ, मेरा भाई डिप्रेशन में नहीं था, तो मेरा भाई भी ड्राइवर है, वो भी मेरे पापा ड्राइवर थे, इस कारण सब भाई बहन को गाड़ी चलाना आता है, ड्राइवर का बच्चा को तो आईबे ना करेगा सर। तो आपने टोटो चलाना कहाँ से सीखा है और कब शुरुआत की आपने? सर गाड़ी का तो मान के चलिए पापा चलाते थे, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो मुझे था, लड़की होने के कारण पापा उतना हमको नहीं सिखाए थे, थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन जब मेरा बच्चा भूखा रहने लगा तो रोड पे चलता हुआ ड्राइवर को 50-100 रुपया दे करके बोला कि मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, हम जानते हैं थोड़ा। तो ड्राइवर का कहना हुआ कि नहीं, हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते, आप महिला हैं और आपको तो हम जानते भी नहीं है, गाड़ी कैसे देंगे। लेकिन जब उन्हें पैसा के बारे में कहा, अपनी हालात बताई, बच्चों के बारे में बताया, बोला मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो दिया मुझे चलाने। 1 महीने मैंने फ्री में गाड़ी चलाया, 1 महीना बच्चा का दूध के लिए 50 रुपया में गाड़ी लोग का चलाई है, जून का गर्मी धूप में। इतना जो आप हमको काला देख रहे हैं, हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत सुंदर दिखते थे, पूरा गाँव हमको श्री देवी कह के चिढ़ाता था, अभिनेत्री कोई श्री देवी है उससे कंपेयर किया जाता था। लेकिन ये टेंशन, भूखमरी और गरीबी के कारण मेरा ये हाल है। आप बोलेंगे तो हम आपको अपना 6 मंथ साल भर पहले का फ़ोटो भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसको देख करके आपको लग जाएगा कि हम कितना, मेरा चेहरा बदल गया है और धूप में हम कितना जल गए हैं। हमको अपना रूप रंग शक्ल नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा का पेट भरना चाहिए, मेरा फैमिली भूखा नहीं रहना चाहिए, मेरा भाई बहन भूखा ना रहे, रोड पर इधर उधर ना घूमे, सूखी रोटी खाए, घर में रहे, शांति से रहे, बस हम यही चाहते हैं। सरकार से आपकी क्या विनती है? सरकार से मेरी यही विनती है कि सरकार का कहना है कि मेरे रहते हुए मेरा कोई जनता रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं तरसेगा। मेरे पास सर ना ही रोटी है, ना ही कपड़ा है, ना ही मकान है, सो आप देख ही सकते हैं। ये ज़मीन मेरी मोम खरीदी थी यहाँ के किसी इंसान से, इसका रसीद नहीं कट रहा है, सबका कहना है गवर्नमेंट है, और हमारे आसपास के पड़ोसी कहते हैं मेरा ज़मीन है, क्योंकि जो सरकारी होता है उसमें जो कब्जा करता है उसी का होता है। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार हमको कोई अच्छा जगह ज़मीन दे दे। 3 दशमलव सुनते हैं सरकार ज़मीन देते हैं, हम एक तरह से, हम तो पूरा भूमिहीन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपने माँ के पास बोझ बन के रह रहे हैं,
तो मेरी सरकार से यही अपील है कि सरकार हमको कहीं बसा दे, घर बना के हमको दे दे, और जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं ये चीज़ हमको दे दे, रोटी का साधन दे दे, हम खुद ही कमा के कर लेंगे। हम ही नहीं कहते हैं कि हम घर में बैठे रहे या सरकार हमको रोटी खिलाए। आप कंप्यूटर चला सकती हैं ना? जी हम कंप्यूटर चला सकते हैं, डाटा ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, लेकिन संस्था में ही सीखे हैं, कहीं काम नहीं किए हैं। मतलब जो सीखे हैं थोड़ा बहुत भूल भाल भी गए हैं, लेकिन अगर मान के चलिए प्रैक्टिस में आप आएंगी तो आप काम कर लेंगे बढ़िया से। जी हाँ, ऑफिशियल जो वर्क होता है वो कर सकती हैं आप। जी सर, जाहिर सी बात है जब पीजी पार्ट वन में आप हैं तो आप तो कर सकती हैं। जी एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का, बट हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना चीज़ हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में पढ़े हैं सारा चीज़ का जो है मेरे दिमाग में, जैसे फूल होता है, पहले फूल होता है बाद में वो माला बनता है, तो हर कंप्यूटर का वर्ड्स का फूल है मेरे दिमाग में। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इस तरह फूल बना हुआ है, माला नहीं बना है, लेकिन जब काम करने लगेंगे तो माला बन जाएगा दिमाग में। वर्ड है मतलब, लेकिन वर्ड सब बिखरा पड़ा हुआ है, काम करने लगेंगे तो सब सिमट जाएगा। ये जहाँ पर आपका घर है किस पंचायत में पड़ता है? ये मधेपुरा जिला के एक छोटा सा गांव है। पंचायत का नाम क्या है आपका, झिटकिया है क्या? पंचायत का नाम जजट सवेला है, निर्वाचक क्षेत्र संख्या 7, और गांव का नाम झिटकिया है। मुखिया कौन है यहाँ के? सर यहाँ के मुखिया है परवेज आलम। वो लोग मदद नहीं करते हैं? नहीं सर, उनके पास हम गए तो वो बोले मुखिया को बहुत काम है, एक ठो तुम ही नहीं हो जिसको लेकर के हम बैठे रहेंगे। मुखिया होना तुमको क्या आसान लगता है? मुखिया बनती तब तुमको पता चलता, जब तुम मुखिया होती ना तब तुमको समझ में आता कि मुखिया का काम कितना डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हम मुखिया से चुनाव लड़े थे हमारे मुखिया जी के कहने के वजह से ही, और जिसमें वोट हमको गरीब गुरुआ दिया, और गरीब समझ करके अमीर लोग वोट नहीं दिया हर इंसान, और कहना हुआ उन लोगों का कि तुम गरीब हो तुम वोट लेके क्या कर लोगी, मुखिया बनना अमीर आदमी का काम है, क्योंकि उनके पास ढेरी पैसा है और वो पैसा से टेंडर लेते हैं और टेंडर पास करवाते हैं, और तुम मुखिया बनी हो जाओगी तो तुम्हारे पास पैसा है क्या विकास का काम करने के लिए? विकास का काम में पहले घर से पैसा लगाना होता है जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो रहने का घर भी नहीं है। बहुत जनता का ये कहना हुआ, और फिर भी गरीब गुरुआ लोग 450 वोट हमको मिला मेरे पंचायत से। 450 वोट ले ली आपने? जी, जिसमें ना ही हम किसी को एक गिलास पानी पिला है जनता में, ना ही किसी जनता को एक कप चाय पिला है, फिर भी इतना वोट मिला, समर्थन मिला। अगले बार भी खड़े होंगे, जिंदा रह गए तो, भूख प्यास से बच गए, अगर भूख प्यास हमारी जान नहीं ली तो अगले साल के इलेक्शन में भी हम खड़े होंगे। पहले आप कुछ कमा करके परिवार को आप स्टेबल करिए, ठीक है? जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपकी जो माली हालत है ये दयनीय है, कि पानी ऐसे बहता है क्या, जो नल है खराब है क्या? जी सर, नल के लिए भी घर में जो नल लगाने आया 5000 रुपया मांगा, बोला आधार कार्ड 5000-2000 रुपया ले भी लिया घर में, तब वो नल लगाया। सरकार का फंड एक ठो मेरे यहाँ मिला भी तो पैसा ले करके दिया है, और बाकी मेरा कल खराब है तो पैसा के कारण हम लोग कल भी ठीक नहीं करा पा रहे हैं। बहुत मुश्किल से यहाँ टंकी भी लगा, मतलब पड़ोसी और आने नहीं दे रहे थे, सबका कहना है चारों पट्टी मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। उसी क्रम में एक पड़ोसी मार के मेरा हाथ तोड़ दिया, और हम थाना में एक्शन लेने गए तो केस किए तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने बोला कि हम गिर गए थे तो टूट गया, गिर गए थे तो पहले मारा तो डैमेज था ही हाथ, गिरे तो चोट लगा हुआ था ही और ज़्यादा डैमेज हो गया। गिर गए तो मान के चलिए अगर आपका ये थोड़ा सा टूटा हुआ या डैमेज है, और उसमें अगर थोड़ा और लग जाए तो टूट जाएगा ना, बस यही हुआ। मतलब मारा मचोर दिया पकड़ करके, ये मेरा आर मराया हुआ है ये है, और अब हम इसमें ठोकर और लगेगा, ये मेरा घाव है, जैसे इस घाव में अगर हम फिर से इसमें चोट लगेगा तो इसका हालत दयनीय होगा कि नहीं, बस इसी तरह का बात है सर। तो पर आप पीटते रहता है हमको यहाँ पे, इसीलिए हम इस गांव को चेंज भी करना चाहते हैं। हम इस गांव को सोच बदलने के लिए, गांव का विकास करने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए थे, अपने जैसा मजबूर बेसहारा गरीब का मदद करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। गरीब को वोट कौन देता है आजकल? जी सर, गरीब को तो आजकल दो चार गरीब ही वोट देता है। हाँ, उनकी संख्या बहुत ही कम है, और उनको भी अगर ऐसा आरोप है कि 400-500 रुपये या फिर कुछ कुछ खिला पिला दिया तो उनको कोई वोट मिल देते हैं। जी सर, ऐसा फील्ड में हमको भी सुनने के लिए मिला। आपने कहा केस नहीं किया, देखिए सर ये केस वाला मेरा फाइल है, मैंने केस किया, कितना
थाना कोर्ट कचहरी द्वारा आवेदन आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार हमारे गांव में झिटकिया में आए थे, उनके लिए भी हम आवेदन लिखे थे, लेकिन किसी ने हमें उनसे मिलने ही नहीं दिया। आप जनता दरबार क्यों जाती हैं? सर जनता दरबार भी वहाँ गए डीएम के पास, उसमें भी सर हमको वहाँ मिलने नहीं दिया गया। आप सीधे उनसे मिलिए। सीधे कैसे मिलेंगे, 10-20 बॉडीगार्ड होता है, उनको घेर के ले जाते हैं। नहीं, नहीं, देखिए पहले वहाँ पर आप जाइए, समय पहले पता कर लीजिए कि डीएम साहब वहाँ पर है कि नहीं है, है तो कितने बजे बैठते हैं, उनको इतला करिए कि हम वहाँ पहुँचे हुए हैं और फिर उनसे मिलिए आप, वो सीधे बात करते हैं। चाहे वो एसपी की बात करें, डीआईजी की बात करें, डीएम की बात करें, वो पब्लिक सर्वेंट है तो वो तो सीधे मिलते हैं। ये हम आवेदन लिखे थे, मारपीट मेरे साथ हुआ था तो, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई भी मार लेता है तो थाना कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन हाँ अगर किसी के घर में यहाँ चोरी हो जाए या कहीं कुछ भी हो जाए तो मेरे घर में मेरा छोटा मानसिक रोगी भाई को पकड़ के पुलिस ज़रूर ले जाता है। अभी भी मेरा एक छोटा भाई है 15-16 साल का, उसको पुलिस पकड़ के ले गया, बोला कोई लड़का पकड़ाया है तुम्हारा भाई का नाम बोला, मोबाइल वोबाइल चोरी उरी के मैटर में कोई मोबाइल चोरी किया, तुम्हारे भाई के अकाउंट में पैसा भेज दिया, तो जिस चोरी का पैसा जिसके खाता में जाएगा उसको हम पकड़ेंगे ना, उसको पकड़ के ले गया है वहाँ मान बनबनखी से खगड़िया जेलर शायद भेज दिया है। हम लोग के पास पैसा नहीं है उसका बेल करवाने के लिए। एक भाई मेरा घर में है डिप्रेशन में, पूरा मानसिक रोगी होकर पड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं हम लोग का हालत सर बहुत ही दयनीय है, जो हम बता भी नहीं सकते हैं। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम पूरा पागल हो जाएंगे, मेरा फैमिली में सब पागल होकर रोड पर घूमेगा अगर सरकार हमारी मदद नहीं की तो, स्टेप नहीं लिया तो। बस हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उन्होंने जितना वादा किया है, जितना बोला है कि हम जनता के लिए करते हैं, उतना कर दे हमारे लिए, हम उनका ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे, आभार प्रकट करेंगे। और सर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उस मुकाम तक बन गए तो हम भी अपनों जैसा का मदद करेंगे। हम मेरा सपना है अनाथ आश्रम खोलने का, मधेपुरा ज़िला में हम एक मेंटल असेंटमेंट खोलना चाहते हैं, अनाथ आश्रम खोलना चाहते हैं, जिसमें समाज की दबी कुचली महिला लोग जो है आकर के अपना जीविका चला सके, और उसमें हमको कुछ उनको देना नहीं है क्योंकि हम अपने संस्था में मोमबत्ती अगरबत्ती अचार ये सब चीज़ बनाने का रखेंगे, जो लेडीज लोग दबी कुचली महिला आएगी तो खुद अपना ये सब करेगी, हम उसका माल सप्लाई करवा देंगे मार्केट में, तो अपना जीविका चला सकती है, रोड पर भटक नहीं सकती है जैसे हम भटक रहे हैं। हमारे जो संस्थाएँ हैं जो महिला की आवाज़ उठाती है, वो उनमें से कोई आपके पास नहीं पहुंची? सर देखिए एक दो एनजीओ के बारे में बात भी किए तो उनका कहना हुआ मुरली गंजर है एनजीओ, आप यहाँ आइए बिहारी गंजर, यहाँ आके काम कीजिए हमारे एनजीओ में। हम देखिए सरकार तो हर जगह अपना खोल के संस्था देते हैं ना, हम चाहते हैं कि मधेपुरा ज़िला में भी एक संस्था होना चाहिए, क्योंकि हम जितना देखे हैं रिक्शा चलाते हैं, जितना गाँव घूम रहे हैं कि हमारे ज़िला में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मेंटल असाइनमेंट भी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ अगर गरीबी के कारण इंसान डिप्रेशन में चला जाए, मानसिक रोगी बन जाए, तो सरकार की तरफ से उनका इलाज हो सके। सरकार से हम इस चीज़ का भी मांग करते हैं कि हमारे ज़िला में हो, और एक अनाथ आश्रम का भी मांग करते हैं, कम से कम लेडीज लोग के लिए तो अनाथ आश्रम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जितना दर्द दुख तकलीफ़ हम झेले किसी और को ना झेलना पड़े। मुखिया से इलेक्शन लड़ने का भी मेरा पर्पस यही था कि विकास का काम के लिए सरकार मुखिया को पावर देता है कि हर वार्ड में वो एक स्कूल खोल सकता है, हर वार्ड में उस मुखिया के पेन में इतना पावर है कि संस्था खोल सकता है और महिलाओं लोग को रोज़गार दे सकता है, तो इसलिए हम मुखिया बनना चाहते थे। और इस बार महिला सीट था तो हम महिला होकर मुखिया बनना चाहते थे ताकि महिला सीट पर एक महिला बैठ के काम करे। अभी भी महिला सीट पर मुखिया बनी है चांदनी खातून नाम है उनका, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती हैं, सिर्फ उनका नाम है, उनका सारा काम उनके हस्बैंड करते हैं जो वर्तमान के मुखिया परवेज आलम कहे अलग ही होता ही है, जो पति होते हैं वही करते ही हैं। हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे चूँकि लंबी हो सकती है, इसके वजह से आपको अगले भाग में बाकी की जानकारी आपको हम देते हैं।